हेलो फ्रेंड्स, आम आदमी ब्रेन यूट्यूब चैनल से तुहाड़ा स्वागत है। जिमें कि स्टूडेंट्स, तुहानू पता है कि इस चैनल के उपर असी ईटीटी और मास्टरकेट की तैयारी संबंधी वीडियोज़ अपलोड करते हाँ। स्टूडेंट जो है तुहाड़ी वीडियो लेके आए हाँ, उस विच असी साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू करांगे जो कि बार बार एग्जाम के विच रिपीट होए हैं। सो इन्हां क्वेश्चन नू एंड तक जरूर वेखना, जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल सबसक्राइब जरूर करना और प्लेलिस्ट में जाके अपनी तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण वीडियोज़ जरूर देखना। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। वह धात जिहड़ी धरती दे सब तो वध मिलती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा एलूमीनियम। जिहड़ी एलूमीनियम धात है स्टूडेंट, यह धरती दे सब तो ज़्यादा मिलती है। जेकर तुहाडे तो पूछा जाए कि धरती से मिलने वाली सब तो वध धात कि है, तो स्टूडेंट तुहाडा आंसर होएगा ऑक्सीजन। तो नाल ही स्टूडेंट यही याद रखना है कि जेकर क्वेश्चन आए कि सब तो घट मिलने वाली धात, सब तो घट मिलने वाली धात कि है, तो स्टूडेंट तुहाडा आंसर होएगा रोहडियम। तो स्टूडेंट इस आर एच के नाल रीप्रजेंट किया जाता है, तो परमाणुओं के इसका 45 है। तो स्टूडेंट यह वाइट सिल्वर कलर की एक मेटल है। क्लियर स्टूडेंट, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। वेयर विधि केड़ी धात को संघना करने लिए वरती जाती है, तो स्टूडेंट जी वेयर विधि है यह एलूमीनियम संघना करने वास्ते वरती जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, एलूमीनियम की कच्ची धात को संघना करना मतलब कि शुद्ध करने वास्ते वरती जाती है। स्टूडेंट इतने तुम्हें याद रखना है कि जिहड़ी यह वेयर विधि है स्टूडेंट, यह अशुद्ध बाक्साइट विचों हेमेटाइट दियाँ अशुद्धियां होन तां ही असीं इसनूं वरतांगे। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जेकर बाक्साइट के विच हेमेटाइट भी है तां ही तुसीं वेयर विधि नूं वरतना है, ते जेकर हेमेटाइट दे नाल सिलिका होवेगा तां हाल विधि वरती जाती है, हाल प्रोसैस नूं वरत्या जाता है। सो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा एलूमीनियम की कच्ची धात वास्ते असी वेयर विधि का, वेयर प्रोसैस का प्रयोग करते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन चलते हाँ। हवाई साजो समान बनाने लिए कि मिश्र धात वरती जाती है, तो स्टूडेंट देखो इसका आंसर आएगा स्टील। चारे ऑप्शनों जेकर बेस्ट आंसर लेना है तो आंसर स्टील आएगा, बट जेकर स्टूडेंट तुहानू एलूमीनियम दिता हो तो आंसर एलूमीनियम ही होगा। सो इसमें तुम्हें याद रखना है स्टूडेंट, इतने साढ़े को एलूमीनियम नहीं हैगा इस करके असं स्टील आंसर देवे, बट जेकर तुहाडे लवे एलूमीनियम है तो असं एलूमीनियम ही आंसर फस्ट प्रायोरिटी साड़ी यही रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट जी एलूमीनियम है इसकी जी संघनता है वह बहुत ज़्यादा है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। पित्तल और कासा विच केड़ा सांझा तत्व है, तो स्टूडेंट पित्तल और कासा दे विच जिहड़ा कॉपर है वह सांझा हुंदा है। स्टूडेंट जिहड़ा पित्तल है इसनों असी ब्रास कहिंदे हाँ, तो स्टूडेंट जिहड़ा यह ब्रास है यह कॉपर और जिंक तो मिलकर बनया हुंदा है। तो स्टूडेंट जिहड़ा कासा है इसनों असी ब्रोंज कहिंदे हाँ, तो स्टूडेंट जिहड़ा ब्रोंज है यह कॉपर प्लस टिन तो मिलकर बनया हुंदा है। साढ़े तो पूछे गया सी कि पित्तल और कासा विच सांझा केड़ा है, तो स्टूडेंट सांझा है कॉपर, तां करके स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। साबण नूं पानी विच घोलण ते बनता है, तो स्टूडेंट साबण नूं पानी विच घोलण ते मिसेल्स बनते हैं, इसनूं तुसीं याद रखना है कि तुसीं इसका आंसर यही ना लगाया। सो स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा मिसेल। नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हाँ। कपड़े धोण के पाउडर विच कपड़े की सफेदी बरकरार रखने वास्ते मिलाया जाने वाला यौगिक, तो स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट जाने के कपड़े धोने वाले पाउडर के विच असी सोडियम परबोरेट मिलाते हाँ, जिस दे नाल कपड़े की सफेदी है जी बरकरार रहती है। स्टूडेंट सोडियम परबोरेट का जो फार्मूला है वह NaH2BO4 है, तो इसनों PbS भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट याद रखोगे कि कपड़े धोने वाले पाउडर के विच सोडियम परबोरेट है जिहड़ा मिलाया जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन के उपर। चुंबकीय खेत्र का विस्तार की इकाई की है, तो स्टूडेंट चुंबकीय खेत्र के विस्तार की इकाई टैसला है, इसमें तुम याद रखोगे। नाल ही स्टूडेंट तुम याद रखोगे कि टैसला के नाल एक इकाई है गॉज, इसमें तुम याद रखना है। तो स्टूडेंट एक टैसला है जिहड़ा यह 10 की पावर 4 गॉज के बराबर हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हाँ। एक गेंद एच ऊंचाई तक सुट्टी गई जड़ी पहली स्थिति से वापस आ गई उसका विस्थापन से दूरी होगा। देखो स्टूडेंट एक बॉल नू एच ऊंचाई से सुट्टा गया, तो स्टूडेंट वह वापसी उस पॉइंट के उपर आ गई। देखो एच ऊंचाई से सुट्टी गई थी पहला वाली स्थिति वापस आ गई, मीनस ए पॉइंट तो उपर सुट्टी गई सी तो वापस ए पॉइंट से आ गई, तो स्टूडेंट यही जो वापस अपने पॉइंट से आ गई तो इसका जो विस्थापन है वह 0 होगा।
पर स्टूडेंट जेकर दूरी की गल की जाए तो स्टूडेंट जाते हुए इसने एच दूरी तय की तो वापसी से भी एच दूरी तय की, इस तरह टोटल है 2h बनेगा। सो आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट विस्थापन है जोड़ा वो जीरो, क्योंकि वस्तु वापस अपनी स्थिति से आ गई, तो दूरी जाने समय भी एच तो आने समय भी एच से जोड़ 2h होएगा। सो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर। दो पिंडां दे केंद्र विच दी दूरी दुगनी कर दिती जावे तो आकर्षण बल होगा। स्टूडेंट तुहानू पता है कि जिहड़ा आकर्षण बल है जिसनों असीं एफ नाल लिखते हैं, इसका फार्मूला जी M1 M2 अपॉन आर स्केयर है। तो स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि जिहड़ी दूरी दुगनी कर दी है, आर मतलब कि डिस्टेंस, इसनों असीं दुगना कर दी है। मान लो तुहाडे लई आर पहला 1 सी ते हुण आर नूं तुसीं 2 करता, तो इत्थे आर दी वैल्यू जो तुसीं 2 दा स्केयर करोगे तो यह 4 बनेगी, ते 4 नीचे होने करके ये 4 टाइम घटेगी। सो स्टूडेंट चौथा भाग रह जाएगी, सो ओरिजिनल तो यह चौथा भाग रह जाएगी। आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हाँ। जदों एक बस अचानक चल पैंती है तो बस में खड़े यात्री पिछे वाल डिगते हैं, इसका कारण देखो स्टूडेंट एक तो ये वाला क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तुहानू एंड दे उपर वेखन नू मिलेगा। सो तुसी इसकी डिटेल में ध्यान देना, समझ लो तुहाडा क्वेश्चन कदे भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तुसी उलझे रहने हो कि इसका आंसर विराम जड़ता आएगा या गति जड़ता आएगा। सो स्टूडेंट देखो ट्रिक की है कि जदों बस अचानक चल पैंती है, इट मीनस स्टूडेंट बस पहला विराम दे विच सी, ठीक है जी। जदों बस अचानक चल पैंती है इट मीनस चली है तो पहला विराम दे विच सी, तो आंसर आएगा स्टूडेंट विराम जड़ता, ऑप्शन ए आएगा। एक होर क्वेश्चन है स्टूडेंट लास्ट के उपर, उसनों भी तुसी समझना, तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। तुसी वेखना है कि वस्तु की एक्चुअल पोजिशन की है, पहला वाली पोजिशन की है, तो इन्होंने कहा कि बस अचानक चल पैंती है तो इट मीनस पहला वो विराम दे विच सी। सो तां करके स्टूडेंट इसका आंसर विराम जड़ता आएगा, जिसनों तुसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर चलते हैं जी। एम पुंज वाला वस्तु वी वेग नाल चलती है तो उसका संवेग, स्टूडेंट पहली गलत है संवेग नूं मोमेंटम कहा जाता है, इसमें तुसी याद रखोगे बहुत स्टूडेंट उलझते हैं, मोमेंटम कहा जाता है। तो स्टूडेंट मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। सो स्टूडेंट आंसर आएगा ऑप्शन बी। संवेग का जो फार्मूला स्टूडेंट वो एम इंटू वी है, एम वस्तु का पुंज होगा तो वी वेग होगा, जिसनों असं वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु से लग रहे सारे बलों का परिणामी बल सिफर होवे तां बलों नूं कहते हैं। देखो स्टूडेंट मान लो कि एक वस्तु है, एक वस्तु के उपर इधर बल लग रहा है तो इस वस्तु के इस साइड से बल लग रहा है, तो ये जो बल है स्टूडेंट वह सिफर है, कहने का मतलब स्टूडेंट रिजल्टेंट बल है जोड़ा वो जीरो है। जेकर इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो ही जोड़ा रिजल्टेंट है वह सिफर होएगा। जेकर इधर 8 न्यूटन लगता है तो इसका रिजल्टेंट 3 रह जाता स्टूडेंट, क्योंकि इधर 5 लग रहा है तो इधर 8 तो 8 चो 5 कटो तो 3 रह जाता। बट स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि जोड़ा बल है वह सिफर है, इट मीन जिन्ना बल इधर लग रहा है उही बल इधर लग रहा है, तो यह संतुलित है। सो इसमें असं संतुलित बल कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन उपर चलते हाँ। न्यूटन का गति का दूजा नियम इन्हों विचकार संबंध दर्शाता है, तो स्टूडेंट न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है वह है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू अपलाइड फोर्स। कहना मतलब है कि जोड़ा संवेग बदल रहा है वह अपलाई फोर्स के सीधा अनुपाती है। सो स्टूडेंट जो ये रिलेशन दस रहा है यह बल के संवेग के विचकार दस रहा है, संवेग में असी मोमेंटम कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बल में असी फोर्स कहते हाँ। तो जो न्यूटन का दूजा गति नियम से वो यही सीगा कि जी फोर्स है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन उपर। दो समान आकार के गोले एक फुटबाल से दूजा कच्च है, किसकी जड़ता वध होगी? देखो स्टूडेंट सीधी जी गल है कि जिसका मास वध होगा, कहने भाव है कि जिसका पुंज वध होगा उसकी जड़ता वध होगी। तो स्टूडेंट दो समान आकार के ने, एक फुटबॉल है तो एक कच्च का गोला, सानू पता कि कच्च भारी होंदा है इस करके कच्च का मास जाने की पुंज ज्यादा है, तो इस करके स्टूडेंट कच्च की जड़ी गोली है उसकी जड़ता वध होगी। स्टूडेंट समझना है कि जेकर मैं थोड़े तो पूछा कि एक कार तो एक ट्रक विचों किसकी जड़ता वध होगी, तो तुम्हें पता है स्टूडेंट कि जो ट्रक है इसका पुंज जिसनों असी मास कहते हैं वह ज़्यादा है, इस करके ट्रक की जड़ता वध होगी। सो सेम केस इतने है कि सेम आकार के ने, बट सानू पता कि कच्च है जोड़ा वह भारा होंगे है, इस करके कच्च की गोली की जी जड़ता है वह ज़्यादा होगी।
चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं जिन्हें विचकार दूरी आर है तो गुरुत्व आकर्षण बल किस दे अनुपाती होगा। स्टूडेंट सानू पता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्केयर है, असी पहला ही किया है। तो स्टूडेंट जो फोर्स है यह आर स्केयर के उल्ट है, यानी कि वन अपॉन आर स्केयर के अनुपाती है। तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द आंसर आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। जे किसी गतिशील वस्तु के पुंज में वाधा हो जाए तो उसका प्रवेग, देखो स्टूडेंट गतिशील वस्तु के पुंज में वाधा हो जाए तो उसका प्रवेग घट जाता है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि जदों कोई वस्तु गति कर रही है जेकर उसका पुंज बढ़ जाए तो स्टूडेंट सिंपल जी गल है कि उसकी गति घट जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। उसकी गति है जी वो घट जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका पुंज बदन के नाल उसका भार भी बढ़ेगा, तो जिन्ह के भार ज़्यादा होंगे उसकी गति घटेगी, असं नॉर्मल लाइफ के भी वेखते हाँ। सो स्टूडेंट इन्होंने कहा कि जेकर उसका पुंज बढ़ जाए तो स्टूडेंट जेकर पुंज बढ़ेगा इट मीनज उसका भार भी बढ़ेगा, क्योंकि जो भार हों स्टूडेंट वह एम जी हों, जो यह एम बढ़ गया तो भार भी बढ़ गया, जेकर भार बढ़ गया तो उसकी गति घट जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? एक हैवी परसन बहुत हौली हौली चलते हैं, सो इस तो तुम अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चलती हुई गड्डी जो एकदम रुक जाती है तो असं अगे वाल डिगते हैं, तो इसका कारण देखो स्टूडेंट मैं तुम्हें क्या सी क्वेश्चन अगे आएगा, सो इस क्वेश्चन की मैं गल कर रहा सी कि एक चलती हुई गड्डी एकदम रुक जाती है, तो कहने का मतलब स्टूडेंट पहला वो चल रही सी, सो उसकी पहला वाली पोजिशन चलन की सी, तो आंसर की आएगा जी गति जड़ता। उम्मीद है स्टूडेंट तुम्हें कंसैप्ट समझ लग्या होगा कि जेड़ी वस्तु है उसकी तुम्हें पहला वाली पोजीशन वेखनी है, यही गड्डी चल रही थी एकदम रुकती है, इट मीनस पहला चल रही थी तो इसका आंसर गति जड़ता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। जो किसी वस्तु की ऊंचाई और पुंज दो गुनी हो जाए तो स्थितिक ऊर्जा की होगी, तो स्टूडेंट स्थिति ऊर्जा का फार्मूला एम जी एच हों, हूँ कुछ भी नहीं करना, इन्होंने कहा कि वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी है, एच की जगह पर आप दो एच लावे तो पुंज भी दो गुना कर दिए, तो इसमें एम की जगह पर दो एम लगावे तो मल्टीप्लाई करा तो दो दूनी चार, तो आंसर आएगा जी चार गुना। सो एम जी पहला एम जी एच सी, हूँ यह फोर एम जी एच हो जाएगी, सो आंसर चार गुना हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एलूमीनियम की प्रकृति, देखो स्टूडेंट एलूमीनियम की की प्रकृति है? स्टूडेंट एलूमीनियम है जोड़ा यह एम्फोटेरिक है, इसमें याद रखना है यह एम्फोटेरिक है। स्टूडेंट एम्फोटेरिक कहे होंगे ने, देखो खुश्क पदार्थ ने साडे लिए जिमें खारी होंगे ने, जिमें एन ए ओ एच ये साडे लिए खारी है, खुश्क तेजाबी होंगे ने जिमें एच सी एल यही तेजाब है, पर स्टूडेंट एलूमीनियम की प्रकृति, एलूमीनियम एक यहोजा है, एक यहोजा यौगिक बनाता है जोड़ा एम्फोटेरिक होंगे है, कहने का मतलब है कि जिस एसिड और वेस दोनों के गुण होंगे। सो पहला तो तुम्हें यह याद रखना कि एम्फोटेरिक यौगिक कहे होंगे ने, एम्फोटेरिक वो होंगे ने जिन्हों के एसिड के गुण भी होन ते बेस के भी, जोड़े तेजाबी भी होन ते खारी भी, तो एलूमीनियम के ऑक्साइड जोड़े बनते हैं वह एम्फोटेरिक होंगे ने, इसमें तुम याद रखोगे। जदों कोई कण एक समान वेग नाल चलता है तो हेठ लिखियां विचों केड़ी चीज़ बदलती है? देखो स्टूडेंट जेकर वह सेम समान वेग दे नाल चल रहा है तो ना उसकी चाल बदलेगी, समान वेग क्या तो वेग तो बदलेगा ही नहीं, जे वेग समान है तो प्रवेग नहीं बदलेगा, बदलेगी की स्थिति, कहना मतलब है जेकर पहला वो ए पोजिशन पर सी तो ए तो वह बी ते चला गया, पर ए तो बी जाते समय ना ही तो उसकी चाल बदली, ना ही वेग बदलिया, तो ना ही प्रवेग बदलिया। सो स्टूडेंट बदली की स्थिति, पहला ए ते सी हुण बी ते चला गया। सो स्टूडेंट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन सी, समझने की कोशिश करया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हाँ। जदों किसी कण का विस्थापन जीरो होवे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बारे असं की कह सकते हैं? स्टूडेंट बहुत ही टैक्निकल क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। स्टूडेंट देखो जेकर विस्थापन जीरो है तो विस्थापन जीरो किन्ना हालतों हो सकता है? जेकर एक वस्तु ए तो बी ते गई तो बी तो वापस ए ते आ गई तो विस्थापन जीरो हो गया, कि उसकी दूरी जीरो हुई? नहीं स्टूडेंट, जेकर वह इधर 5 मीटर गया तो उसकी दूरी तो 10 मीटर हो गई। क्लियर स्टूडेंट? बट स्टूडेंट एक केस ये भी बनता है कि मान लो कि वस्तु मूव ही नहीं कर रही, वस्तु ए पॉइंट के उपर ही खड़ी है, तो इतने वो दूरी भी जीरो है तो स्टूडेंट विस्थापन भी जीरो है। क्लियर स्टूडेंट? सो इन्हों दोनों केसों को ध्यान समझते हुए इसका आंसर यह है कि आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट असी नहीं दस सकते कि उसकी दूरी जीरो होगी या नहीं होगी।
क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। 10 किलोग्राम पुंज वाले एक पिंड का संवेग 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसका वेग होगा। देखो स्टूडेंट, संवेग नु असि मोमेंटम कहते हैं, उलझना नहीं, इसनों पी देना लिखते हैं। तो स्टूडेंट जो पुंज है इसनों असं एम देना लिखते हैं, वेग जाने की वेलोसिटी असी पता करनी है। तो स्टूडेंट पी तो 800 दिता होया है, तो पुंज स्टूडेंट तो 10 दिता होया है, तो वी असी पता करनी है। तो स्टूडेंट सिंपल इस 0 0 कट होएगी, तो वेलोसिटी तो लग जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्लास्टर ऑफ पेरिस विच क्रिस्टली जल के किन्ने अणु होंगे हैं? तो स्टूडेंट सिंपल जी गल है, जेकर तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसनों पीओपी कहने हो, जिसका फार्मूला याद रखोगे, तो यही सी स्टूडेंट CaSO4 हाफ H2O। तो पूछा गया कि किन्ने जल लगे हुए ने, तो हाफ लगे हुए ने, आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर चलते हैं। विज्ञानी जंत्रा नू जिस पदार्थ नाल हवा रोधी बनाते हैं? कहना मतलब कि स्टूडेंट कि जिहड़े साइंटिस्ट ने वह इंस्ट्रूमेंट नू किसी भी डिवाइस नू हवा रोधी बनाने वास्ते की करते हैं? तो स्टूडेंट वह प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, जिसनों तुम पीओपी कहते हो। सो पीओपी का फार्मूला आप हूँ ही करके हटे, CaSO4 हाफ H2O है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यह हवा रोधी चीज़ा बनाने वास्ते वरत्या जाता है, ता जो हवा उस वस्तु के आर पार क्रॉस ना कर सके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन अगे बढ़ने तो पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा कि प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो, शेयर करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा कि थोड़े लिए बेस्ट तो बेस्ट क्वेश्चन लेके आ सकता, ता जो थोड़ा एग्जाम क्लीयर हो सके। सो तुम भी प्लीज़ इन्ना क काम जरूर कर दिया करो कि इसनों शेयर करो, इसकी रिस्पोंसिबिलिटी तुम्हें ही लेनी है। सो मैक्सिमम इसनों शेयर करो, यही ही मेरे वास्ते मोटिवेशन है। जेकर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़दियाँ, लाइक नहीं आते, तो मैं थोड़ा जहा डीमोटिवेट हो जाता गा, मेथों वीडियो तैयार नहीं की जाती। सो स्टूडेंट प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन्ना क काम जरूर कर दिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर। जल के पक्के रूप में कठोरता दूर की जा सकती है? तो स्टूडेंट जल की पानी की पक्के तौर पर जो कठोरता दूर करनी है, तो इस सोडियम कार्बोनेट मिलाना पवेगा, जिसका फार्मूला स्टूडेंट Na2CO3 10H2O होंदा है। स्टूडेंट तुम्हें पता है कि दो तरह के पानी होंगे ने, भारा पानी तो हल्का पानी, तो जोड़ा भारा पानी होंगे जिसनों असं कठोर जल कहने हैं, जेकर उस दे साबण झग नहीं बना, तो सूँ पाउडर यूज करना पैंता है, तो पाउडर के सोडियम कार्बोनेट होंदा है। सो स्टूडेंट धन्यवाद इस वीडियो में एंड तक वेखन के लिए, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दियो, तो जो वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही है उन्होंने जरूर वेखियो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।